शिमला जिले में बर्फबारी से बंद हुई सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। हिमपात के बाद शिमला जिला के सभी मुख्य सड़क मार्गों को यातायात के लिए आज दोपहर तक खोल लिया गया है, जबकि 40 से अधिक लिंक रोड अभी भी यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 23 जनवरी से दोबारा बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विभागों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। हिमपात के बाद शिमला जिला में आज हल्के बादलों के बीच धूप खिली है। वहीं जिला के सभी मुख्य मार्गों को आज दोपहर तक यातायात के लिए बहाल कर लिया गया है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला के मुख्य मार्गों में नारकंडा, खड़ा पत्थर, कुफरी और खिड़की में आज दोपहर तक बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे अब जिला के सभी ब्लॉक के लिए सड़क संपर्क बहाल हो गया है। उन्होंने बताया कि जिला की 40 से अधिक सड़कें अभी भी बंद है, जहां बर्फ हटाने का कार्य चल रहा है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने से भारी बर्फबारी व बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते जिला में संबंधित विभागों को तैयार रहने के उचित निर्देश दे दिए गए हैं। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी परसों जो है बर्फबारी हुई है जिले में, और बर्फबारी होने की वजह से जो है हमारी रोड जो है वो अवरुद्ध हुई थी, पर उसमें हमारी जो मेजर रोड्स हैं, जो हमारे सारे सब डिविजन्स को कनेक्ट करने वाली जो रोड्स हैं, वो सारी बहाल हो गई हैं। इसमें हमारा नारकंडा भी बहाल हो चुका है, खड़ा पत्थर भी बहाल हो चुका है, चौपाल को जाने वाली जो चौपाल खिड़की रोड है वो भी बहाल हो चुकी है। तो इस तरह से हमारे सब डिविजन्स को जो जाने वाली जितनी भी मेजर रोड्स हैं वो सारी बहाल हो गई हैं, पर जो हमारी लिंक रोड्स हैं जो हमारी वो लगभग 40 के आसपास अभी बाधित हैं। वहाँ पर मशीनरी लगाई गई है PWD द्वारा और उसको जो है आज दोपहर तक बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। IMD ने जो है हमें वेदर फोरकास्ट दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो जो स्टेट को हिट करने वाले हैं। तो उसमें पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कल परसों था यहाँ पे, और उसका जो उसमें जो भी था वो हमने कर लिया था, और सेकेंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अभी 22-23 के बाद से स्टार्ट होने के जो उन्होंने हमें वो दी है, इंडिकेशन दी है। तो जैसे ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है IMD से, तो हमने ये PWD और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने दे दी थी, और क्योंकि सेकंड वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है काफ़ी स्ट्रांग होगा ऐसा बताया जा रहा है, तो उनको खास तौर पे ये कहा गया है PWD डिपार्टमेंट को, और हमारे जो MC हैं, फॉरेस्ट है, सभी डिपार्टमेंट्स को ये बताया गया कि उसमें अपनी जो मशीनरी है, मैन पावर है, लेबर है, उसको जो है एक्टिव रखें, उनकी छुट्टियाँ वगैरह कैंसिल कर दें और उनको जो है एंगेज रखें, ताकि इस तरह की एक सिचुएशन होती है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी अगर होती है तो उस केस में भी जो है वो रोड्स वगैरह को और जो बाकी यूटिलिटीज़ हैं, चाहे बिजली है चाहे पानी है, उनको जो है तुरंत बहाल किया जा सके। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है सभी डिपार्टमेंट्स को दे दी गई है और उनको रेडीनेस में रहने के लिए कहा गया है।